तो प्याची में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हमारा यहाँ पर जो है सो इंडिया वर्सेस एनडीए यही पे टक्कर है। जहां तक अल्पसंख्यक भाइयों की बात है तो अल्पसंख्यक हर हमेशा हमारा वो इससे पहले उपीय गठबंधन था तब भी हमारे साथ थे, आज इंडिया गठबंधन है तब भी हमारे साथ है। कि हम नया है तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, जो आज बूढ़ा है ना, जो अभी अपने को कह रहा है वो कोई अमृत के पानी पी के नया है, कल दिन वो भी बूढ़ा कड़ा होगा। नमस्कार जोहार, अभी मैं तोपचांची में हूँ और तोपचांची के ये जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं इस तोपचांची में किस तरह का यहाँ का माहौल है, किस तरफ जाएंगे यहाँ की जनता और किस तरह की तैयारी चल रही है। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के ही वर्तमान जो विधायक है टुंडी विधानसभा के, वही इस लोकसभा में खड़ा हुए हैं। तो मथुरा प्रसाद की क्या पकड़ है अपने लोक विधानसभा क्षेत्र में? जोहार। जोहार। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लालचंद महतो, तोपचांची प्रखंड अध्यक्ष। क्या लग रहा है यहाँ के अभी विधायक सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, खुशी की लहर है कि लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ गई है? ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इस क्षेत्र के लिए, इवेन की पूरा झारखंड के लिए वो पहचान के मोहताज नहीं है। ये एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलन का उपज का नेता है, और इनका जब ये विधायक नहीं रहे हैं, आपने अभी बहुत अच्छा बात रखी कि इनका ये विधानसभा क्षेत्र है, तो ये आपको जानकारी में मैं बता देना चाहता हूँ कि राज्य अलग होने से पहले से यहाँ के मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए और यहाँ के विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लोगों के साथ जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और आज भी जो ऐसे जुड़े हुए हैं, ये कभी जमीन को छोड़े नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि एक पहले विधानसभा 3 प्रखंड देखते थे, अभी 6 विधानसभा देखना पड़ रहा है। मुश्किलें बढ़ी है कि आसान हो रही है, काम करने में मजा आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको, हमको लग रहा है कि एक लोकसभा किया वो और भी दायरा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इनमें नस नस में ये हमेशा जनता के सेवा के लिए हर दिन करीबन अपने पूरे लाइफ को झोंके हुए हैं, इसलिए इनका दिनचर्या में, रूटीन में इनका कहीं कोई व्यस्तता का बात नहीं है। ये हर हमेशा इनके साथ पब्लिकों का लगाव जुटाव बना हुआ है और प्रतिदिन हम लोगों का जहां तक अपना होश संभाले हैं तो ये हर हमेशा अपने क्षेत्र में ही लगे रहते हैं और दिन भर में जहां तक जा पाते हैं, जितने लोगों तक मिल पाते हैं, ये दिन प्रतिदिन का रूटीन है। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव में ही इनका व्यस्तता रहती है, इसलिए इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्याची प्रखंड में किस तरह का वोट का प्रभाव पड़ेगा? तो प्याची में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसी है कि हमारे जो वर्तमान अभी जो, चूंकि यहाँ पे देखिए ये चुनाव जो हो रहा है ये देश लेवल की चुनाव है, यहाँ पे अभी सारे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एनडीए प्लस इंडिया गठबंधन की बातें चल रही है, कुछ क्षेत्रीय स्तर के भी बातें हैं, लेकिन सारा जनता जान रही है कि हमको यहाँ पे अपने देश में किस रूप में हमको अपने आप में व्यवस्थित करना है, उस स्तर से लोग चुनाव करेंगे, ऐसा हम लोग को पूरा विश्वास है। आप बोल रहे हैं एनडीए प्लस इंडिया गठबंधन, लेकिन यहाँ पर तो त्रिकोणीय हो गया, एक उभरता हुआ जयराम महतो यही तो अब चाची का है, उभरा हुआ पूरे राज्य में तबाही मचा है। निश्चित रूप से वो हमारे एक प्रत्याशी जो है, जिनका आपने नाम बताया, वो मेरा इसी प्रखंड से ही है, लेकिन आप देखेंगे कि निश्चित रूप से उनके साथ जो लोग हैं उसमें तो आधा वोटर ही नहीं है, उनके पास जो लोग हैं वो आधा वोटर ही नहीं है, उसमें विशेष करके जो नए पढ़ने वाले लोग हैं वो अपने जिंदगी को झोंक रहे हैं, मैं यही कहूंगा डायरेक्ट रूप से। मतलब जिंदगी बर्बाद हो रहे हैं इसके मतलब? निश्चित रूप से, देखिए अभी उन लोगों का पढ़ाई का समय, आप जान रहे हैं कि ये चुनाव जो है सो निश्चित रूप से संवैधानिक स्तर से राजनीतिक पार्टी का लोग लड़ते हैं, आप यहाँ पे जब उस रूप में लोग आते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। लेकिन जयराम महतो देख रहे हैं अच्छा लहर है, लोगों का भीड़ उमड़ रहा है, आप लोग का जेएमएम का गाड़ी घुमा दिया जा रहा है, आसू के नेता का विरोध कर दिया जा रहा है क्षेत्र में, ऐसा हम लोग को अपने प्रखंड में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं आपको जानकारी करवा दूं कि अभी हम लोग जहां पे बैठे हैं, कल ही हम लोग को यहां पर बहुत अच्छा जोश खरोश के साथ कार्यालय के ओपनिंग हुआ है और कल से ही मेरा प्रचार गाड़ी घूम रहा है, और अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे कार्यकर्ता स्वतः जो है सो विगत एक सप्ताह से अपने अपने पंचायतों में बाइक द्वारा लोगों के साथ जनसंपर्क में लगे हुए हैं, कहीं से कोई ऐसा रोक टोक का शिकायत नहीं आई है, ये अफवाह ही बातें हैं। आप विधायक जी को बूढ़ा कड़ा बोला जाता है, अभी नया कड़ा हल जोत पाएगा, इन लोग को अब राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है,
आपको पता होना चाहिए, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नया है, तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, जो आज बूढ़ा है ना, जो अभी अपने को कह रहा है वो कोई अमृत का पानी पी के नया है, कल दिन वो भी बूढ़ा कड़ा होगा। तो ये क्या लग रहा है, जिस तरह से जयराम महतो का इस अपने ही जन्म स्थल में वोट मिलेंगे उनको, या फिर सब जेएमएम के जो पुराने जो विधायक रहे उन्हीं के सब वोट देंगे? निश्चित रूप से वो देखिए, यहाँ प्रत्याशी अपने अपने जन मुद्दों को लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, ये जनता पे डिपेंड है कि वो किनको क्या करेगी, और जनता सब समझ रही है। और वो सीपी चौधरी का जो वर्तमान यहाँ सांसद है, उनका इधर किस तरह का प्रभाव? वो देखिए वर्तमान सांसद है, वो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ उनका भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने क्षेत्र में प्रयास में लगे हुए हैं। वो तो अब जनता ही कहेगी कि उनका क्या जनता के बीच में पकड़ रहा है, 5 साल वो क्या किया है, ये जनता इस पर विचार करेगी। एक चीज बात है, अल्पसंख्यक किधर जाएंगे? जयराम महतो कह रहे हैं मेरे तरफ, आप लोग कह रहे हैं मेरे तरफ, वही जयराम महतो एक टिकट दिए हैं। देखिए जहां तक अल्पसंख्यक भाइयों की बात है, तो अल्पसंख्यक हर हमेशा हमारा, वो इससे पहले यूपीए गठबंधन था तब भी हमारे साथ थे, आज इंडिया गठबंधन है तब भी हमारे साथ है। फिर वो जो रिजवान क्रांतिकारी, कई मुस्लिम जयराम महतो कह रहे हैं हम लोग जगह दे रहे हैं, और ये आपका महागठबंधन में कोई ऐसा नहीं उम्मीदवार है जो मुस्लिम को, तो मुस्लिम को ये मान सम्मान तो जयराम महतो दे रहे हैं, वो उनका कहना है? देखिए निश्चित रूप से आप जिन किन्हीं का भी नाम लिए, चूंकि देखिए ये देश लोकतंत्र है और अब हर राजनीतिक पार्टी में हर समुदाय के लोग मिलेंगे, वैसे में वो भी है उनके साथ, उनका अपना विचारधारा उनके साथ अच्छा लग रहा है, वो है, वो स्वतंत्र रूप से किन्हीं के साथ कोई भी रह सकते हैं। क्या लग रहा है आप लोग किससे टक्कर होगी? निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर जो है सो इंडिया वर्सेस एनडीए, यही पे टक्कर है। अच्छा एक लास्ट में बोलेंगे, आपका विधायक है मथुरा प्रसाद क्षेत्र में, क्या काम किए, क्यों लोग उसको वोट देंगे, इधर क्या काम किए बताइए? बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा तोपाची प्रखंड निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा प्रखंड रहा करता था, लेकिन विकास के मायने में सबसे पहले इन्होंने बिजली के मायने पे पूरा प्रखंड को 100% जो है सो विद्युतीकरण करवाने का काम किया। आप कहीं भी घूम जाइए, रोड वोड का पूरा जो है विकास हुआ है हर क्षेत्र में। तो सीपी चौधरी कहते हैं हम दिलाए, आपको पता होगा कि आप शायद कि सीपी चौधरी अभी वर्तमान में सांसद है, यानी कि उनका पूरा 5 साल ही अभी मात्र हुआ है, और इस क्षेत्र में ये करीब 15 साल से इस क्षेत्र को विकास कर रहे हैं एक विधायक बनके। तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल जो वर्तमान यहाँ, वो भी एक विधायक के रूप में, वो तो एक सांसद है, आप समझ सकते हैं कि 6 विधानसभा का सांसद होने के बाद भी वो 3 साल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोलने का कोई भी कुछ बोल सकता है, उसे क्या है, आप देख से भी सकते हैं। आप लोग प्रचार प्रसार कैसा चला इस तोपचांची इलाका में जेएमएम का? हम आपको तो बता ही दिए कि पिछला 1 सप्ताह से मेरा पंचायत स्तर कार्यकर्ता अपने पंचायतों में एकदम घर घर टोला टोला में बैठ के लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, यही सबसे बड़े प्रचार समर्थक आप लोग को विरोध नहीं कर रहे हैं? कोई भी कहीं कोई विरोध नहीं है, आपको यदि कहीं से न्यूज मिला है तो आप उन्हीं से जान लीजिए, हम लोग के यहाँ कोई विरोध नहीं है, कहीं हमारा कोई विरोध नहीं हुआ, हमारा कार्यकर्ता आज 1 सप्ताह से अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से अच्छे माहौल में लोगों के साथ मिल रहे हैं, कहीं कोई विरोधाभास की बात नहीं है। चलिए ये है तोपचांची के प्रखंड अध्यक्ष, और इन्होंने कहा कि जयराम महतो जहाँ से जन्मे हैं उस क्षेत्र में, मैं बता दूं कि हमारे वर्तमान विधायक टुंडी के मथुरा प्रसाद हैं, और इनके ही काम और कार्य क्षेत्र रहा है, और पूरे अच्छे से काम हुई और लोग इन्हीं के ऊपर रुझान है, बाकी सीपी चौधरी और जयराम महतो के प्रति क्या कुछ कहें और अपने विधायक क्या कुछ काम किए उन पर प्रति, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।